जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान दे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 के बारे में, जिसके बारे में रिसेंटली दोस्तों यहां पर एक जो नोटिस है वो वायरल किया जा रहा है, जो कि आप यहां पर वीडियो के अंदर देख सकते हैं, जिसके बारे में मैं आगे इस वीडियो में डिटेल्ड में बात करने वाला हूँ कि ये रियल है या फिर नहीं है, और कब तक अगर ये रियल है तो आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। क्योंकि यहां पर आपको जो पोस्ट है इनकी पूरी डिटेल दी गई है, इसलिए यहां पर मैं आपको एलिजिबिलिटी की प्रत्येक जानकारी इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों जानकारी देने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि उसी से आपको आगे आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि जब तक ये भर्ती आ नहीं जाती और फिर उसके बाद कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक मैं आपके लिए इसी प्रकार से अपडेट लेकर के आता रहूंगा, चाहे वो ऑफिशियल हो या फिर अनऑफिशियल हो, यानी कि आपसे कोई भी जानकारी इस भर्ती को लेकर के मिस नहीं होगी। और दोस्तों यहां पर मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफी सारा मोटिवेशन एंड सपोर्ट मिलता है, और इसी वजह से यहां पर हम इस वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो 200 रखते हैं। मुझे उम्मीद है आप जल्द ही 200 लाइक्स कर दोगे। अब चलिए बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। तो मैं आपको जो वेबसाइट का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, जहां पर आप पहले इस भर्ती के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानोगे, इसके बाद मैं बात करूंगा आपके इस शॉर्ट नोटिस के बारे में। तो ये जो आपकी भर्ती है ये आपकी दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जारी की गई है या फिर की जाएगी, क्योंकि यहां पर दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में आप शॉर्ट नोटिफिकेशन देख पा रहे हो, तो इसमें आपको जो यहां पर इस तरफ कोने में डेट देखने को मिल पा रही है ये आपकी 2021 की है। इसमें साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, बट इतना जरूर यहां पर दिखाई दे रहा है कि मई 2021 दिया गया है, यानी कि यह भर्ती आपकी मई 2021 के अंदर 100% आने वाली है। और आपको उसके शायद एक या दो हफ्ते पहले इसका ओरिजिनल ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिटेल्ड में देखने को मिल पाएगा। और ये बात इतनी सियोरिटी के साथ मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आपकी दिल्ली पुलिस की लास्ट भर्ती आई थी 5000 प्लस पदों पर, उसमें भी पहले इसी तरह से शॉर्ट नोटिस जारी किया गया था, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर नहीं था, बट बाद में वो नोटिस सही पाया गया और उसी के अकॉर्डिंग आपकी एलिजिबिलिटी रखी गई। तो इसमें भी आप चिंता मत कीजिए, ये भी आपका मई 2021 के अंदर आ जाएगा, और जब भी आएगा कुछ भी अपडेट होगा वो तो आपको टाइम के साथ मालूम हो ही जाएगा। अभी बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहां पर दोस्तों जो आपकी टोटल वैकेंसी होने वाली है वो आपकी 2439 है, और किन पोस्ट पर ये भर्ती निकाली जाएगी वो है आपकी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर, टेलीप्रिंटर ऑपरेटर, ये आपकी इसके अंदर दो तरह की पोस्ट है, और तीसरी है आपकी कांस्टेबल ड्राइवर की। इसमें यहां पर टोटल 2439 पद होंगे, किसके लिए कितने हैं वो आपको आगे जानने को मिल जाएंगे। एप्लीकेशन मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, यानी कि फॉर्म आपको ऑनलाइन माध्यम से फिलअप करना है। जॉब लोकेशन आपकी दिल्ली रहेगी, यानी कि सिलेक्शन हो जाने के बाद आपकी पोस्टिंग दिल्ली के अंदर होगी, दिल्ली पुलिस के अंदर। वैसे कैंडिडेट इसमें ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, अब चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार से जो अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी वो आपकी 12वीं है। डिटेल्ड में जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूं कि 12वीं के साथ क्या क्वालिफिकेशन अन्य मांगी है या फिर नहीं मांगी है। एज लिमिट आपकी यहां पर 18 से 30 साल के बीच है। अभी इसमें पोस्ट वाइज अलग अलग एज लिमिट है, उसकी जानकारी आपको आगे क्लियर हो जाएगी कि किस पोस्ट पर मैक्सिमम एज लिमिट कितनी रखी है। एज के अंदर यहां पर छूट भी दी जाएगी, जो कि गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग दी जाती है, SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की। सैलरी आपको यहां पर 25,500 रुपए से लेकर 81,100 रुपए दी जाएगी। सिलेक्शन आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, फिजिकल एंड्योरेंस एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर और यहाँ पर ट्रेड टेस्ट के द्वारा आपका सिलेक्शन बेसिकली किया जाएगा। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर जनरल OBC के लिए 100 होगी, और SC ST फीमेल चाहे किसी भी कैटेगरी की हो इनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। और जो आपकी डेट्स है इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर ये भर्ती आपकी मई के अंदर आने वाली है। मई में आपकी कौन से वीक के अंदर स्टार्ट होगी वो तो आपको टाइम आने पर अच्छे से मालूम हो जाएगा। अभी यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में डिटेल्ड में बात करते हैं। तो जो आपकी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट है इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता सिंपली मांगी है। अगर आप 12वीं पास हो तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। प्रोफेशनल अटेनमेंट्स में यहाँ पर आपकी इंग्लिश टाइपिंग मांगी है, जो कि आपकी इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। अगर हिंदी टाइपिंग्स में आप टाइपिंग आप देना चाहते हो तो आपकी स्पीड 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। अभी
यहाँ पर आपके मन में सवाल ये होगा कि क्या दोनों टाइपिंग कंपलसरी है, तो मैं आपको बता दूँ कि इनमें से कोई एक टाइपिंग ही कंपलसरी है, चाहे इंग्लिश की हो या फिर हिंदी की हो। फिर आता है आपका हेड कॉन्स्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर टेलीप्रिंटर ऑपरेटर। इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी है, बट जो आपकी 12वीं है वो आपने साइंस एंड मैथ सब्जेक्ट के साथ पूरी की हो। जैसे कि जो आपकी हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट है, इस पर आपसे सिंपली 12वीं पास मांगा है, बट इसमें यहाँ पर एलिजिबिलिटी है कि आपकी 12वीं साइंस एंड मैथ के साथ आपने पूरी की हो, या फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया कि NTC इन मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम सिस्टम, या तो आपने 12वीं इन सब्जेक्ट के साथ पास की हो, या फिर आपके पास जो 12वीं है वो जिससे आपने पास की है साथ ही आपके पास NTC इन मैकेनिक कम ऑपरेटर ये होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो आपकी कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट है, इसमें यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी है, जो कि आपने सिंपली पास की हो। साथ ही आपको बोला कि शुड बी एबल टू ड्राइव हैवी व्हीकल, यानी कि आपको जो हैवी व्हीकल होते हैं वो आना चाहिए चलाना कॉन्फिडेंस के साथ में। इसी के साथ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी मोटर व्हीकल, यानी कि आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी मोटर व्हीकल का, पोसेस नॉलेज ऑफ व्हीकल, और आपको जो व्हीकल की नॉलेज है वो भी आपको होनी चाहिए। नॉलेज से मतलब है कि अगर व्हीकल के अंदर, वाहन के अंदर कोई छोटा मोटा डिफेक्ट आ जाता है वो आप खुद से सही कर सको। अगर आप यहाँ पर इस जो नोटिस है इसके अंदर आओगे तो यहाँ पर भी आपको ये सब जानकारी दी गई है, आप पोस्ट वाइज देख सकते हो। आपको पूरी जानकारी यहाँ पर दी जा रही है आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में और वैकेंसी डिटेल के बारे में। अभी यहाँ पर वैकेंसी डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए 554 पद है, हेड कॉन्स्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर के लिए यहाँ पर 670 पद है, और कॉन्स्टेबल ड्राइवर के लिए आपके 1215 पद निकाले गए हैं। एप्लीकेशन फीस की जानकारी मैं आपको बता चुका हूं, एज लिमिट की जो मैंने बात की थी वो आप देख लीजिए। हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल पर आपकी एज लिमिट 18 से 25 साल रखी गई है, हेड कॉन्स्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर टेलीप्रिंटर ऑपरेटर पर आपकी एज लिमिट 18 से 27 साल है, और कॉन्स्टेबल ड्राइवर की पोस्ट पर आपकी एज लिमिट 21 से 30 साल के बीच रखी गई है। सैलरी भी आप यहां पर देख सकते हैं, बेसिकली आपको लेवल 4 के अंतर्गत जो सैलरी दी जाती है 25,500 रुपए से लेकर 81,100 रुपए वही आपको दी जाएगी, और जो आपको अनयूजुअल अलाउंसेस है वो भी यहां पर साथ ही इसके साथ दिए जाएंगे। तो यहां पर आपने इसके बारे में जानकारी जान ली है, और जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है वो भी आप यहां पर देख लीजिए। इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड मेल में हाइट जो आपकी रखी है वो यहां पर 165 सेंटीमीटर है, चेस्ट यहां पर आपकी बिना फुलाए 78 और फुला करके 82 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए, जिसमें कि यहां पर 4 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है एज पर दिस एलिजिबिलिटी जो कि यहां पर मेंशन करके रखी है। फीमेल में हाइट 157 सेंटीमीटर रखी गई है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट पर। हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस की पोस्ट पर यहां पर जो आपकी हाइट है वो 170 सेंटीमीटर है कम से कम, चेस्ट आपकी बिना फुलाई 81 सेंटीमीटर और फुला करके 85 सेंटीमीटर, यानी कि 4 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। फीमेल के लिए हाइट इस पोस्ट पर 157 सेंटीमीटर रखी गई है। अब आती है कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट, इस पर भी यहां पर मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है, और चेस्ट बिना फुलाई 81 सेंटीमीटर और फुला करके 85 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। तो आपने यहां पर ये सब जानकारी जान ली है। इसके बाद दोस्तों मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप चाहते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस कैसा रहेगा, इसके बारे में मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊं, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि हाँ हमें इसके बारे में जानकारी चाहिए। अगर आप इस बारे में कमेंट करेंगे तो जल्दी मैं आपके लिए एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में जानकारी लेकर के आ जाऊंगा, जहां पर जो आपके और भी डाउट है एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को लेकर के वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आप यहां पर यह भी देख सकते हैं कि जो आपकी भर्ती कंडक्ट की जाएगी ये इस बार पहले की तरह SSC के द्वारा ही कंडक्ट की जाएगी। तो ये थी आपकी पूरी जानकारी, आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।